आज इस वीडियो में हम दुनिया की कुछ ऐसे 5 कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है और आने वाले सालों में और भी बदलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ने आते ही टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया है और उस रेवोल्यूशन को हम आज भी हर कंप्यूटर में देख रहे हैं। एक टाइम था जब कंप्यूटर्स बहुत बड़े हुआ करते थे, इतने बड़े कि वो सारा रूम कवर कर लेते थे, और उस वक्त बहुत से लोगों को कंप्यूटर्स यूज करना भी नहीं आता था। फिर 1980 में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स बिल गेट्स और पॉल एलन ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट किया जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MDOS, जिसकी वजह से आज पर्सनलाइज्ड कंप्यूटर्स बनना पॉसिबल हो पाया और जो आज भी ऑलमोस्ट सारे कंप्यूटर्स में मौजूद है। विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट पेंट जैसे यूजर फ्रेंडली टूल्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटिंग बनने में सफल रहा, जो ज्यादातर लोगों के लिए काफी नया और यूज करने में भी बहुत आसान था। कंज्यूमर्स और बिजनेस में भी माइक्रोसॉफ्ट बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो पाया था और माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म डेवलपर्स के लिए एक बड़ी कम्युनिटी बन चुका था जिसमें 16 मिलियन प्रोग्राम्स प्रेजेंट थे। PC और विंडोज आज सबकी जरूरत बन चुके हैं जिसने हर छोटे से छोटे सेक्टर में घुसकर पूरी दुनिया को बदल दिया है। एजुकेशन फील्ड में माइक्रोसॉफ्ट का गोल है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को माइक्रोसॉफ्ट के सारे टूल्स से इंट्रोड्यूस कर पाए जिससे हर स्टूडेंट को कंप्यूटर का हर प्रोग्राम यूज करने में आसानी हो। और आज भी माइक्रोसॉफ्ट सारे स्कूल्स में एक डोमिनेंट फोर्स बना हुआ है। अब माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस के अनाउंसमेंट के साथ फिर से चीजें बदलने की उम्मीद में है। होलोलेंस एक ऐसा होलोग्राफिक पर्सनलाइज कंप्यूटर है जो हमें वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस देगा। फ्यूचर में जो होगा वो तो अनसर्टन है, पर हाँ ये तो सच है कि माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी दुनिया बदल दी है और फ्यूचर में भी माइक्रोसॉफ्ट का काफी इम्पैक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट नंबर 2 पर है एप्पल, एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया को टेक्नोलॉजी सेक्टर में लग्जरी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं। एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो हर कोई खरीदना चाहता है और आजकल एप्पल फोन यूज करना मानो जैसे ट्रेंड बन चुका है। आज एप्पल कंपनी दुनिया के कुछ फेमस प्रोडक्ट सेल करती है जैसे एप्पल वॉचेस, आईफोन्स, मैकबुक प्रो, मैक डेस्कटॉप, एयरपोर्ट्स प्रो एक्सेट्रा। इन सारे प्रोडक्ट्स में से एप्पल अपने आईफोन्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने आईफोन को एक रिवॉल्यूशनरी फोन कहा था। एप्पल ने 2008 में दुनिया का पहला एप स्टोर भी लॉन्च किया था और उसके बाद उन्होंने एप स्टोर में 500 एप्स भी लॉन्च किए थे और आज आईफोन के ऐप स्टोर में 2.1 मिलियन से ज्यादा एप्स आपको मिलेंगे। एप्पल दुनिया की रिचेस्ट कंपनी बन चुकी है जिसका टोटल वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन यूएसडी है और एप्पल पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क क्रॉस किया था। एप्पल कंपनी ने आज इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया है कि जितना पूरे US गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। नेक्स्ट नंबर 3 है गूगल, एक ऐसा सर्च इंजन जिसने लोगों के जीने का तरीका ही बदल दिया है। क्या आप जानते हैं गूगल के लॉन्च होने से पहले लाइफ कैसी थी? हम डिक्शनरीज, लाइब्रेरीज बहुत यूज करते थे, लैंडलाइंस पर वॉइस मेल्स, डायरेक्शंस के लिए फोन लगाकर सबको पूछना, बड़े बड़े मैप्स यूज करना, और आज ये सब कुछ गूगल टूल्स से रिप्लेस हो गया है। गूगल ने हमारी लाइफ काफी हद तक आसान की है। गूगल ने आज इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया है। आज हर छोटे से छोटे प्रॉब्लम का सोल्यूशन गूगल पर मिलता है। फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने गूगल की शुरुआत 1998 में की थी और आज अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए गूगल बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, ईमेल सर्विसेज के लिए जीमेल, क्लाउड स्टोरेज के लिए गूगल फोटोज और नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स और अपना खुद का वेब ब्राउजर जिसका नाम है क्रोम। आज हर चीज में गूगल हमें हेल्प करता है। गूगल ने बड़े कंपनीज जैसे यूट्यूब, एडसेंस और लुकर को भी खरीद लिया है। गूगल का खुद का फोन ब्रांड भी है जिसका नाम है गूगल पिक्सेल और गूगल ने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को अपॉर्चुनिटी दी है कि वो यूट्यूब पर अपना टैलेंट दिखाकर एडसेंस के थ्रू पैसा कमा सके। गूगल के आने के बाद लाइफ सच में बहुत चेंज हो गई जिसके चलते इंडिया में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब को एज अ फुल टाइम जॉब एंड एज अ करियर परस्यू कर रहे हैं। अगला नंबर 4 है अमेज़न, जो कि जेफ बेजोस की एक इनक्रेडिबल आइडिया से स्टार्ट हुआ था जिसने ऑनलाइन शॉपिंग को फास्ट और कन्वीनियंट करके लोगों को घर बैठे सारी चीजें लाकर दी है। अमेज़न एक शिपिंग कंपनी, एडवर्टाइजर, टेलीविजन प्रोड्यूसर और ग्रोसरी स्टोर भी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिस दुनिया में हम आज जी रहे हैं वो एक अमेज़न की है क्योंकि हर वो चीज जो हम डेली लाइफ में करते हैं जैसे कि शॉपिंग, बिंज वॉचिंग, रीडिंग, लिसनिंग, वो कहीं ना कहीं अमेज़न से कनेक्टेड होती है। इसके अलावा भी अमेज़न के कुछ इनोवेटिव फीचर्स ने लोगों को इस ब्रांड से और भी ज्यादा अट्रैक्ट किया है। उसमें सबसे पहला आता है अमेज़न प्राइम फीचर जिसका सब्सक्रिप्शन लेते ही आपको फास्ट एंड फ्री डिलीवरी के साथ ही आप बहुत सारे टीवी शोज और मूवीज को भी एंजॉय कर सकते हो। उसमें भी आपको कई कैशबैक्स और ऑफर्स मिलते रहते हैं। इस सब के चलते इस क्वारंटाइन पीरियड में अमेज़न प्राइम के वर्ल्ड वाइड 150 मिलियन से भी ज्यादा न्यू सब्सक्रिप्शन एड हो चुके हैं। ये एक बहुत अच्छा बिजनेस ही नहीं पर एक बहुत बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है।
फिर आता है एलेक्सा, एक ऐसा वॉइस रिकॉर्डिंग वर्चुअल असिस्टेंट जो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। एलेक्सा हमारे सारे कमांड्स को सुनती है और रिस्पॉन्ड भी करती है, चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो। एंड दैट्स प्रीटी इंप्रेसिव। ऑर्डर्स प्लेस करने से लेकर एक बढ़िया म्यूजिक प्लेलिस्ट सुनने तक एलेक्सा हमारे सारे कमांड्स फॉलो कर सकती है। अमेज़न ने रिटेलिंग मार्केट में भी बहुत बड़ा चेंज लाया है, जिसकी वजह से रिटेल मार्केट परमानेंटली चेंज हो चुका है। इन सब इनोवेटिव आइडियाज की वजह से आज अमेज़न का वैल्यूएशन 1.63 ट्रिलियन डॉलर्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है SpaceX, यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन। 2002 में एलोन मस्क ने ये कंपनी एक गोल के साथ स्टार्ट की थी कि वो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, और इसी मोटिव के साथ उन्होंने अपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन रॉकेट कंपनी की जर्नी स्टार्ट की थी। उनका यही मानना था कि अगर एनर्जी एफिशिएंट रॉकेट्स बनाए जाएं, तो फिर स्पेस ट्रैवल का खर्च कम किया जा सकता है। SpaceX पहली ऐसी प्राइवेटली फंडेड कंपनी थी जिसका लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट फाल्कन 1 2008 में ऑर्बिट में पहुंच गया था। इतना ही नहीं, वो पहली ऐसी कंपनी थी जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्पेसक्राफ्ट भेजा था। एलन मस्क ने पहले सोचा था कि वो रशिया से चीप रॉकेट्स खरीदेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे, पर उनके इस ऑफर को रशिया ने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद एलन मस्क ने अपने खुद के रॉकेट्स मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन लिया और फिर SpaceX की शुरुआत की थी। और आज SpaceX हजारों सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते वो सारी दुनिया के कोने कोने में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है। इस प्रोजेक्ट को स्टारलिंक नाम दिया गया है और एलोन मस्क का अब एम है कि वो 1 Gbps हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। SpaceX पहली ऐसी कंपनी है जिसने 3 बार फेल होकर भी रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने का फॉर्मूला ढूंढ निकाला है। एलोन मस्क का कहना है कि वो धरती पर रहने वाले हर एक इंसान को स्पेस ट्रैवल अवेलेबल और अफोर्डेबल करना चाहते हैं। ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया दुनिया को काफी हद तक बदल कर रख देगा। तो ये थे दुनिया के कुछ ऐसे 5 कंपनीज जिन्होंने हमारी जिंदगी को काफी हद तक आसान कर दिया है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और फैक्ट्स स्टार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।